अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। ये देखिए मौसम अच्छा हो गया, बेहतरीन हो गया माशाल्लाह। कल भी काफ़ी बारिश हुई है रात को, और बादल देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, हर तरफ बादल है। अल्लाह ने करम कर दिया हम पे, इतनी गर्मी में जो है वो बारिश हो रही है, और जब बारिश हो रही होती है ऐसा लगता है सर्दियाँ आ गई हैं। तो बस आज की भी कुछ रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ। मौसम भी इतना अच्छा है, आज तो किचन में आराम से कुछ ना कुछ अच्छा बन ही सकता है। इंशाल्लाह कोशिश करूंगी। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है सब। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। जी वेलकम बैक टू माय किचन। आज बना रहे हैं पास्ता। पास्ता के लिए मैंने 2 टेबलस्पून मैदा, क्रश चिलीज, वाइट पेपर, सॉल्ट, ब्रोकली और स्पेनिश ब्लैक ऑलिव्स, उसके साथ बेजल रखा है, बेजल ड्राइड है, और उसके अलावा पार्मेजान चीज़ है, पाउडर चीज़ जो होती है वो। और ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर है आपके पास तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। और इसके अलावा ये है थाइम, मिक्स्ड हर्ब्स हैं और पास्ता सॉस है, और ये है पेने पास्ता। तो पेने पास्ता अगर नहीं है तो कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मिल्क है, और पास्ता सॉस सलमान का मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा है, नहीं तो आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, अमेरिकन गार्डन, जो भी आपको चाहिए हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने सॉसेजेस ले लिए हैं, ये है चीज़ एंड हर्ब के कैनन्स के, आप प्लेन सॉसेजेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये पास्ता सॉसेजेस के साथ ही अच्छा लगता है। और ये काफ़ी अरसे से जो है ये मेरी फैमिली में, मतलब हम सबका फेवरेट है और हम सब बनाते हैं, तो मैंने सोचा शायद आपका भी फेवरेट हो जाए, अगर आप लोग ट्राई करेंगे आप लोगों को शायद पसंद आ जाए, तो इसलिए मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आप कोई और भी मीट यूज़ कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको सॉसेजेस नहीं चाहिए तो, एंड इफ़ यू आर नॉट अ सॉसेज लवर देन इट्स ऑल राइट, यू कैन हैव समथिंग एल्स। तो इसके अलावा मैंने मशरूम्स ले लिए, मेरे पास थोड़े से मशरूम्स भी थे और मैंने वो भी इसमें ऐड कर रही हूँ। और अगर मशरूम्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें हर तरह के वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो अब मैंने ये एक वॉक ले लिया है, उसके अंदर मैं ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल जो है इट्स अराउंड 5 to 6 टेबलस्पून, और अगर आप कम डालना चाहते हैं कम यूज़ कर लें, और ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं, और इसमें गार्लिक भी आप चॉप करके डाल सकते हैं। कभी कभी मैं गार्लिक ऑयल भी बना के रखती हूँ, जिसमें चॉप करके ऑलिव ऑयल में गार्लिक डाल देती हूँ, उसको ओवरनाइट रखें या 2-3 दिन तक रखेंगे तो उसका एक फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाता है। तो कुक करके भी डाल सकते हैं उसमें वैसे भी, तो वो भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपने सॉसेजेस ऐड कर देने हैं। सॉसेजेस ऑलरेडी 2 मिनट्स के लिए मैंने माइक्रोवेव किए हुए थे, अगर आप इसको बॉईल करना चाहें, कुक करना चाहें कर सकते हैं, बाकी इसमें भी कुक हो जाएगा और ऑलरेडी कुक्ड होते हैं। तो आप हल्का सा स्टर फ्राई करेंगे, मशरूम्स के साथ आपने इसको ऐड कर दिया और स्टर फ्राई करना है। इट्स अ वेरी सिंपल पास्ता, और मतलब बहुत लाइट होता है, इतना हैवी नहीं होता, और डिफरेंट टेस्ट होगा इसका। बाकी फ्रोज़न ब्रोकली थी मेरे पास, अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं, थोड़े से हेल्दी वेजिटेबल्स भी आ जाते हैं इसमें, और ब्रोकली अच्छी लगती है, इसमें थोड़ा कलर भी देती है, और उसके अलावा फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। इसका भी क्रंच हमने रखना है, तो हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, कोई भी चीज़ को हम इतना नहीं पकाएंगे, इसको मीडियम फ्लेम पर रखेंगे ताकि ये जल्दी से पक जाए। तो इसको हल्का सा बस आपने चम्मच चलाना है इसमें, और दैट्स इट। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ आ जाएंगे। अभी थोड़ा सा पानी छोड़ रहा है और इसमें थोड़ा सा ऑयल है, तो अब इसमें मैं कोशिश करूँगी कि इसी के अंदर मैदा डालकर इसको पका लूँ, क्योंकि अलग से वाइट सॉस भी बना सकते हैं आप लोग, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी का काम करती हूँ और ईजी करने की कोशिश करती हूँ ताकि ज़्यादा मेहनत ना लगे। तो आप इसी के अंदर मैदा ऐड कर दें जो आपने रखा था, और थोड़ा थोड़ा करके डालती जाएँ, और फिर उसके बाद इसको मिक्स कर लें। ये देखिए मैंने सारा डाल दिया, इसको हल्का सा स्टर फ्राई करेंगे इसके साथ, और बस मैदा भी मिक्स हो गया। अब इसके बाद इसमें मैं मिल्क ऐड करूँगी ताकि इसके अंदर ही सॉस ऐड हो जाए और कुक हो जाए। तो अब ये मिल्क डाल रही हूँ मैं, मिल्क मैंने अंदाजे से डाला था, मैं वाइट सॉस बनाती हूँ तो मैं इसी हिसाब से डालती हूँ, तो मैंने ये तकरीबन इसमें 1/2 ग्लास मिल्क डाला है। 1/2 ग्लास ही काफ़ी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग को सॉस नहीं बनाना वाइट, तो उसके हिसाब से मैंने मैदा भी डाल दिया और दूध भी डाल दिया, और जितना थिक चाहिए वो भी आपको नज़र आ जाएगा विद इन अ मिनट और 2, ये थिक होना शुरू हो जाएगा। तो आप इसी तरह से ऐड करें, इतनी ही क्वांटिटी ऐड करें, और उसके बाद इसको मिक्स करें, और आपने इसको फ्लेम जो है बहुत हल्का नहीं रखना ताकि वेजिटेबल का भी क्रंच रहे। अब इसके बाद स्पाइसेस डाल दिए, क्रश चिलीज, वाइट पेपर एंड सॉल्ट। सॉल्ट बहुत थोड़ा सा है, मतलब अगर आप पिंच डालना चाहते हैं तो पिंच डालें, क्योंकि ऑलरेडी सॉस जो है वो पास्ता सॉस में भी नमक होगा,
तो आपको इतना ज़्यादा नमक नहीं चाहिए, तो उसका बहुत माइल्ड फ्लेवर रखेंगे हम लोग। अब उसके बाद हर्ब्स ऐड करने हैं। हर्ब्स जो भी आपके पास अवेलेबल हैं आप ऐड कर सकते हैं। इटालियन हर्ब्स मिक्स सीजनिंग जो होती है वो डाल सकते हैं। मेरे पास थे अवेलेबल तो अलग से तो मैंने ऐड कर दिए हैं। इसमें मैंने थाइम लीव्स ऐड किए हैं ड्राइड, और उसके अलावा ऑरिगानो है और बेजल लीव्स मैं डालूंगी। तो पास्ता ज़्यादा है, जाहिर सी बात है एक पूरा पैक है, तो उसके हिसाब से मैंने हर्ब्स डाले और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं डालने, क्योंकि हर्ब्स ज़्यादा डालने से थोड़ी कड़वाहट आ जाएगी। तो हम लोग को बस एक खुशबू और फ्लेवर के लिए चाहिए, तो बहुत कम डालना है आपने। तो ये ऐड करने के बाद इसको आप मिक्स कर लें, और इसके अलावा इसमें आप पास्ता सॉस ऐड करेंगे। पास्ता सॉस पूरा डाल दें आप, जितना बॉटल में होता है तो काफ़ी होगा। इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखिए कितना अच्छा सॉस हमारा रेडी हो चुका है। इसको सिर्फ आपने मिक्स करना है, क्योंकि ऑलरेडी पास्ता सॉस तो कुक है, तो अब ये कुक्ड है तो फिर ऑब्वियसली हम लोग को इतना ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा, बस हमें मिक्स करना है। और जब ये थोड़ा सा हीट हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके अंदर ऑलिव का पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे, ताकि सॉस जो है वो मतलब लगे नहीं नीचे। और अब इसके बाद इसमें हम ऑलिव्स भी डाल देंगे। ऑलिव्स आपके जो भी फेवरेट हैं आप ऐड कर सकते हैं, ग्रीन ऑलिव्स और ब्लैक ऑलिव्स। मुझे स्पेनिश ये ब्लैक ऑलिव्स बहुत अच्छे लगते हैं, इनका बहुत हल्का सा टेस्ट होता है। माइल्ड ऑलिव्स तो मुझे हर तरह के पसंद है, लेकिन पास्ता में ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और ऑब्वियसली पिज़्ज़ा में भी ये भी यूज़ करती हूँ, मैं ग्रीन भी यूज़ करती हूँ, इसमें मैं ब्लैक यूज़ करती हूँ। तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप टोमेटोज़ चाहें तो टोमेटोज़ के चंक डाल सकते हैं। उसके अलावा हर तरह का वेजिटेबल आप ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, जुकीनी भी ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने पास्ता डाल दिया, उसको मैंने बॉयल किया था अराउंड 10 to 12 मिनट्स के लिए, क्योंकि ये दूसरा पास्ता था, थोड़ा थिक था तो इसलिए इसको टाइम लगा। फिर उसके बाद मैंने इसको स्ट्रेनर में डाल के ठंडे पानी से वॉश कर लिया था, तो ये बहुत अच्छा सा सेपरेट हो गया था। तो इसको कभी भी ऐसे मत रखें, क्योंकि वो पिस्टिक होना शुरू हो जाता है। तो आपने इसको सेपरेट रखना है, तो जाहिर सी बात है इसको आपने ठंडे पानी से वॉश करके रख के और फिर उसके बाद इसमें ऐड कर दें, तो आपका टाइम जो है वो बच जाएगा, आप आराम से इसको बना सकते हैं। तो पास्ता हमेशा पहले बॉयल कर लें, अब इसको अच्छी तरह टॉस कर लें। जब ये देखें ये पास्ता हमारा रेडी हो चुका है, कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ये देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह लग रहा है। और इसको गरम गरम सर्व करें, तो अब इसको हम लोग सर्व करते हैं। ये अब थोड़ा सा आपने 5 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे कुक करना है, और ये गरम हो चुका है बिल्कुल, तो अब इसको हम सर्व करेंगे। और इसमें मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप हर तरह के वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं, चिकन भी यूज़ करेंगे तब भी बहुत अच्छा लगेगा। ये मैंने सर्व कर दिया, इसके ऊपर मैं पार्मेजान जो है पाउडर चीज़ पाउडर ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो मोज़रेला भी डाल सकते हैं, चेडर चीज़ भी ऊपर शेड करके ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ऐड कर दिया है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो कोशिश करें कि अगर आपको मिले तो आप रखें फ्रिज में और पास्टास पे यूज़ करें। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, और बनाइएगा ज़रूर, ट्राई करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।